सौगात दी गई है। मंगलवार को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के मुखबिर छात्रावास में रहने वाली दिव्यांग बालिकाओं की हेयर कटिंग की गई। इसके साथ ही सभी 15 बालिकाओं को बालों की सुरक्षा व सजावट को लेकर आवश्यक बातें भी बताई गई। सैलून संचालक विशाल तंवर ने बताया कि एक बार उनके सैलून पर सिंगोली क्षेत्र निवासी एक दिव्यांग बालिका हेयर कट के लिए आई थी। उसी समय उसके पिता के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, फिर भी उसकी जिद को वे पूरे करने के लिए आए। इस बात की जानकारी तंवर को लगने पर उन्होंने निःशुल्क हेयर कट किया और आगे भी आजीवन निःशुल्क सेवा देने की बात कही। इस तरह संचालक तंवर ने दिव्यांगों की सेवा करने की मन ही मन मानस बनाया। इसी सेवा भावी लक्ष्य के चलते वे अपने एक सहायक विकास देवड़ा के साथ मुखबिर छात्रावास पहुंचे और सभी दिव्यांग बालिकाओं की मनपसंद निःशुल्क हेयर कटिंग की। साथ ही उन्हें बाल बांधने, बालों की सुरक्षा, बाल धोने व शैम्पू व तेल लगाने के तरीकों को भी बताया, जिसका छात्रावास अधीक्षक हुमान कुंवर भारद्वाज ने सांकेतिक रूप में अनुवाद किया और बालिकाओं को समझाया। इस दौरान संचालक तंवर ने सभी दिव्यांगों से हर हफ्ते निःशुल्क सेवा देने की बात भी कही। सभी छात्राओं ने सांकेतिक भाषा में तंवर को धन्यवाद भी ज्ञापित किया। इस दौरान मुखबिर स्कूल के समयक उमेश चौहान सहित अन्य उपस्थित थे।